वो ये है, जो गाना बज रहा है वो माँ के ऊपर है, और हरमन अपनी माँ के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, सब जानते हैं। मगर उसकी माँ ने जो हरकतें की हैं वो हरमन के सामने ज़ाहिर हो जाती हैं, और जिसकी वजह से वो खफा भी है अपनी मदर से। तो जब माँ का गाना सुनता है तो वो उसे उसकी याद आती है, वो इमोशनल हो जाता है, उसे वो याद के साथ वो जो उसकी माँ ने उसके साथ किया वो सब भी याद आता है, तो वो परेशान हो जाता है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि अगर मैं ये गाना बंद कर दूंगा शायद इन यादों से मुक्ति पा लूंगा। वो ऐसा हो गया था कि वो जो हमारी दो महान किन्नर हैं करीना रवीना, वो पैसा लेके भाग रही होती हैं, और बीच में एक तीसरा बंदा भी होता है जिसका हिस्सा होता है, मगर उसको वो हिस्से का डर पड़ जाता है। हमारी ये गुरु माता है जो बिक चुकी थी, तो उसको लगता है कि ये दोनों भाग रही हैं तो मेरा हिस्सा कहाँ जाएगा। वो फिर उसी चक्कर में गुरु माँ का पर्दाफाश हो जाता है। मेरा ख्याल उनका अब हक बनता है कि उनको अब उनकी ज़िंदगी जीने दी जाए, इसलिए उनकी कोई उनके आगे अब कोई शर्त नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, कोई रुकावट नहीं होगी, वो जैसे चाहें अपनी ज़िंदगी जी सकते हैं।